ड्रिंक मिले तो ठीक, नहीं तो विस्की पी लू। बाबा इलू इलू। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो कन्या। बातें स्टार्ट करने से पहले तुम 501 रुपए दान दक्षिणा के यहाँ पे चढ़ाओ। गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, आप कुछ हल बताइए। उसका हल भी हम तुम्हें अवश्य बताएंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया 501 रुपए दान दक्षिणा के चढ़ाओ, क्योंकि मेरा नाम है मटरू ज्योतिषी उर्फ बाबा इलू इलू। कोल्ड ड्रिंक मिले तो ठीक, नहीं तो विस्की पी लू। तुम ये 501 रुपए दान दक्षिणा के जैसे ही चढ़ाओगी तुम्हें फल मिलेगा। ये लीजिए गुरुदेव। पूरे हैं? पूरे हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर बर्थ सर्टिफिकेट। मुझे अपनी जन्म पत्री दो कन्या। ये लीजिए गुरुदेव। चले कम हेयर। टेक दिस डाउन। मैं स्टार्ट करता हूं कन्या। बाबा इलू इलू। कोल्ड ड्रिंक मिले तो ठीक, नहीं तो विस्की पी लू। तुम्हारे पति का नाम सुनील है? सत्यवचन महाराज, मेरे पति का नाम सुनील ही है। तुम्हारे एक लड़का और एक लड़की है। लड़का 9 साल का और लड़की 11 साल की। आप तो अंतर्यामी है महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे करो कन्या, 501 रुपए दक्षिणा के और दो, फिर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए गुरुदेव। ओके। आगे बताइए। बाबा इलू इलू। कोल्ड ड्रिंक मिले तो ठीक, नहीं तो विस्की पी लू। वेट। तुम्हारा नाम गुलाबो है? सत्यवचन महाराज, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। और तुम्हारी उम्र 27 वर्ष है। गुरुदेव आप 5 वर्ष कुछ ज्यादा ही बोल गए। कन्या हमारा अनुमान कभी भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारी उम्र 27 वर्ष ही है ना। तुम सत्य सत्य बता दो, वरना तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा संकट बढ़ जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएगी। गुरुदेव आप सच बोल रहे हैं, मेरी उम्र 27 वर्ष ही है। ओके वेरी स्मार्ट। तुमने कल 10 किलो चावल और 5 किलो दाल चने की खरीदी थी क्या? आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरुदेव, सत्यवचन। तो ऐसे करो कन्या, 501 रुपए दक्षिणा के और दो। ये लीजिए गुरुदेव और आगे बताएं। वेट। बाबा इलू इलू। कोल्ड ड्रिंक मिले तो ठीक, नहीं तो विस्की पी लू। कन्या हमारा एक सुझाव है। जी महाराज बोलिए। अगली बार जब भी तुम हमारे पास आओ तो अपनी जन्म पत्री लेके आना, ये राशन कार्ड नहीं। हम ये वीडियो केवल मात्र आपके मनोरंजन के लिए बनाते हैं,
हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और दर्शकों, हमारा आपसे विशेष अनुरोध, इस तरह के ढोंगी बाबाओं से हमेशा बच के रहें, इसी में घर परिवार की भलाई है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।